हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्रिकेट विद विशाल में। आज हम कैचिंग के बारे में बात करेंगे, हम अपनी कैचिंग कैसे इंप्रूव करें, अगर आप बिगनर हो तो कैच पकड़ना कैसे सीखें, तो ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, कैचिंग क्यों ज़रूरी है, फील्डिंग क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको मैचेस मिलते हैं, अगर मैच में आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, कैच छोड़ दोगे, तो कैप्टन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप बैटिंग करते हो, बैटिंग आपका डाउन नीचे करेगा। अगर आप बॉलिंग करते हो, वो आपका बॉलिंग भी लास्ट में देगा, या हो सकता है ओवर ही ना मिले आपका कॉन्फिडेंस देख के, क्योंकि फील्डिंग इतना ज़रूरी है। फील्डिंग आपका अलग ही इंप्रेशन डालता है मैच में कैप्टन की नज़रों में, तो आपको फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। फील्डिंग आप सबसे पहले इंप्रूव करें, फील्डिंग को आप रोज़ सेशन दें, अभी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है फील्डिंग आज के टाइम में। और फिटनेस फील्डिंग ये आपका अलग ही इंप्रेशन छोड़ देती है। अगर आप बैटिंग में रन नहीं कर रहे, बॉलिंग में रन खा रहे हो, तो आपका एक बार चल जाएगा। अगर आपकी फील्डिंग भी इनके साथ बेकार है, तो आप टीम में डिजर्व नहीं कर रहे हो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैचेस छूटते क्यों है। कैचेस छूटने का सबसे बड़ा कारण है आपका डर, आप बॉल से डरते हो इसलिए कैचेस छूटते हैं। आपको बॉल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सोचते हो बॉल लग जाएगा, कैच ही छूट जाएंगे। अगर पहले ही आप ये सब सोचोगे कि बॉल लग जाएगा, कैच छूटेगा मेरे हाथ से, तो वो पक्का छूटेगा। आपको पॉजिटिव सोचना है कि आप कैच पकड़ सकते हो। आप बॉल को जितना हो सकता है बॉल के क्लोज जाओ, और कोशिश करो बॉल पे हाथ लगे आपका। जितना आप हाथ लगेगा वो हाथ में चिपकेगा भी एक दिन। आपको कोशिश यही करना है। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे, मैंने बहुत लड़के देखे कैच देखते ही पहले ही गिव अप कर देते हैं और रीजन देना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, बॉल मेरे से दूर थी। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। कैच छूटो, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने छोड़ा है, मेरे से गलती हुई, मैंने छोड़ा। ये अप्रोच आपको एक अच्छा फील्डर बनाएगा अगर आप ये अप्रोच रखते हो। सब अपने ऊपर लो कि मैं कैच मेरी गलती थी, मैंने छूटा, आप नेक्स्ट मैच में जरूर कैच पकड़ोगे। आपको सबसे पहला मैं बेसिक ये बता रहा हूँ, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कैच पकड़ना है जब भी आपके पास कैच आए, और आपको भागना है। आपको वो जो टाइम होता है ना बीच का आपके और बॉल के, वो आपको जल्दी जल्दी गैप उसको कम करना है। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। मैंने अब तक मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे ज़रूरी है, आपको डरना नहीं है और बॉल के पास जाना है, और कोशिश करना है हाथ पे बॉल लगे आपके। उसके बाद क्या करना है, बॉल हाथ पे आई तो आपको हाथ की पोजीशन क्या रखनी है, मैं वो आपको बता दूं। सिंपल कैच के लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको जो राइट हैंड है, आपको मैं पोजीशन बता दूं, जो आपका ये राइट हैंड है, ये उंगली आपको ऊपर रखनी है इसके, ये पोजीशन होनी चाहिए। और ना ज़्यादा टाइट, अगर ज़्यादा टाइट होगी ऊपर उठ जाएगी। सिंपल रखना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीले। ढीले रखोगे तो छूट जाएगी ऐसे। आपको सिंपल रखना है, और ये उंगली आपको करनी उंगली इसके ऊपर रखनी है, और बॉल यहाँ पे लेनी है, यहाँ नहीं आपको बीच में लेनी है। बहुत इजी है, और हो जितना हो सकता है बॉल के आपको पास जाना है। आप दूर से कैच पकड़ोगे नीचे बैठ के, ऐसा नहीं है, बॉल के ऐसे जाना है, बॉल के जितना पास जाओगे, बॉल जितना यहाँ पे लोगे वो अपने आप कैच हो जाएगा, सबसे ज़रूरी है। और दूसरा आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको बॉडी के क्लोज कैच पकड़ना है। आपको बॉडी से दूर नहीं जाने देना बॉल को। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कैच पकड़ते हैं, ऐसे आप ऐसे कैच कैसे पकड़ोगे, आप इतना दूर हो रहे हो बॉल से। आपको ऐसे नहीं, आपको क्लोज जाना है, बॉल के क्लोज जाना है, हो सके जितना यहाँ पे जाना है बॉल, और फिर ऐसे लेना है। ये जरूर ध्यान दें, आपको क्लोज जाना है और बॉल को लास्ट टाइम तक देखते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉल आ रही है वो नजर ही हटा लेते हैं, वो कैसे कैच पकड़ेंगे फिर। आपको बॉल के पास जाना है और क्लोज लेना है अपने। और जो आप स्लिप में या सामने खड़े थे, आपको कैसे डिसाइड करना है कि कैच ऐसे लेना है या ऐसे लेना है, वो आपको अपनी चेस से, अगर आपके ऊपर है, आपकी चेस से ऊपर है, तो कैच आपको ऐसे लेना है। इसमें भी आपका राइट हैंड कैच जो यहाँ से यहाँ लेना है, और आपके फेस पे आपको यहाँ लेना है। फेस के सामने कभी भी कैच नहीं, बॉल मुंह पे लग सकता है, ये आप ज़रूर ध्यान दें। ऐसे यहाँ से फेस के ऊपर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये ऐसे, ये ज़रूर ध्यान दें। और इसमें भी आपका राइट हैंड ऊपर रहेगा, ये दो उंगली आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि राइट हैंड हमारी सपोर्ट करता है, राइट हैंड हमें सपोर्ट ज़्यादा देता है लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट हैंड सपोर्ट के लिए होता है कैच, हमें राइट हैंड से लेना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, बिगनर कैसे प्रैक्टिस करें। आप बैट्समैन को सामने लेके उसको बॉल फेंक सकते हैं और सीधा कैच पकड़ सकते हैं। आपको सिंपल ऐसे ही करना है, सिंपल कैच पकड़ने स्टार्ट करने हैं। आप स्टार्टिंग में हाई कैच या इतने लंबे लंबे कैच नहीं पकड़ सकते, स्टार्ट आपको स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम आप एकदम हाई कैच नहीं पकड़ोगे। तो आपको बैट्समैन अपने सामने लेना है, और उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको बॉल ऊपर फेंकना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अभी नया हो, आपको कैच अच्छे से पकड़ना है, आपको बॉल ऊपर फेंकना है और अपनी चेस्ट के नीचे लेना है, ऐसे बॉल ऊपर और चेस्ट के नीचे, ये आप ये ट्राई करो। और जितना हो सके धीरे धीरे अपना ट्रैवल ऊपर बॉल का बढ़ाते रहो, तेज तेज फेंकते रहो, और फिर तेज फेंको, और फिर बॉल के नीचे आना है आपको, पूरा बॉल को लास्ट टाइम तक देखना है और बॉल के नीचे आना है। आप अपने आप भी कर सकते हो, और सिंगल भी, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है आप अपने घर में भी कर सकते हो, अपनी छत में कर सकते हो। आपको इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा परफेक्ट हो जाओगे, आपको बॉल का पता चल जाएगा कैसे लाइन में आना है, किधर बॉल पकड़ना है, सबसे ईजी तरीका है, और बैट्समैन को भी सामने ले सकते हो।
फील्डिंग बहुत जरूरी है, फील्डिंग को ज्यादा कोई बात नहीं करता, सब बैटिंग बॉलिंग। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है ना तो कैप्टन आपको कभी भी टीम से बाहर नहीं होने देगा। अगर आप अच्छा फील्डर और अच्छा एथलीट हो ना तो टीम में आप बैलेंस बना के रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। गाइज थैंक यू।